किया है। द्वारका में कुछ लोगों ने सत्येंद्र जैन की कार को घेरकर रोक लिया और नारे लगाने गए। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें मंत्री की कार को रोककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ द्वारका में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उनकी गाड़ी को रोका गया और उन्हें घेर लिया गया। ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं हम, द्वारका की तस्वीर है। ये गाड़ी सत्येंद्र जैन की है, जिनके आसपास लोग हैं उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विरोध में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस प्रकार टूटा कि उनकी गाड़ी को ही घेर लिया गया और आसपास के जितने भी लोग थे वो नारेबाजी करने में जुट गए। मंत्री को रोककर, उनकी गाड़ी को रोककर उनके ही सामने नारे लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और द्वारका में वो मौजूद थे। उनकी गाड़ी को रोककर देखे किस प्रकार लोग वहां पर मौजूद है, उनकी पूरी गाड़ी को घेर लिया गया है। ग्रे कलर की जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये सत्येंद्र जैन की गाड़ी है और इसको रोककर आसपास जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने नारे लगाए। आधे घंटे तक ये गाड़ी वहां पर रुकी रही, बंधक बनाकर रखा गया सत्येंद्र जैन की गाड़ी को और लोगों में सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। दिल्ली की ही सड़कों पर द्वारका की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सत्येंद्र जैन की गाड़ी को रोककर लोगों ने नारेबाजी की। द्वारका इलाके में लोगों का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर इस प्रकार नजर आया। अब आगे बढ़ते हैं, कल देश भर